भारत की आजादी की लड़ाई कई लोगों ने मिलकर लड़ी है, लेकिन हम कुछ प्रमुख नेताओं और क्रांतिकारियों के बारे में ही जानते हैं। उनके अलावा भी बहुत से ऐसे सेनानी थे जिन्होंने देश की आजादी के सपने को सच बनाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उनमें से कई देश की आजादी का सुनहरा पल देखने के लिए जिंदा भी नहीं रहे। हम ऐसे क्रांतिकारी की बात करने वाले हैं जो ब्रिटिश राज के समय फांसी के फंदे पर सबसे पहले चढ़े थे। हम बात करने वाले हैं खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस की कहानी ऐसी है जो भारतीयों में एक साथ ही गर्व और करुणा दोनों भावनाएं पैदा करती है। खुदीराम बोस केवल 18 साल के ही थे जब उन्हें भारत की आजादी की लड़ाई में योगदान के चलते उन्हें फांसी पर चढ़ना पड़ा। 1906 में मिदनापुर में लगी औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी में प्रतिबंध की अवज्ञा करके खुदीराम ने ब्रिटिश विरोधी पर्चे बांटे थे, जिसके चलते एक सिपाही ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन खुदीराम बोस ने उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए वहां से भाग निकले। अगले ही साल 28 फरवरी को पकड़े गए तो भी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे थे। 2 महीने बाद अप्रैल में फिर पकड़ में आए तो उन पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया था, लेकिन एक तो उनकी इतनी कम उम्र थी और दूसरे उनके खिलाफ कोई भी गवाह नहीं था, इसलिए 16 मई को महज चेतावनी देकर उनको छोड़ दिया गया। इसके बाद 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम बोस ने दल के ऑपरेशनों के तहत नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन के पास बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन और 1908 में अंग्रेज अधिकारियों वॉटसन और मेफायल्ट बुलर पर बम फेंके, लेकिन अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी ऑपरेशन को उन्होंने 20 अप्रैल 1908 को अंजाम दिया था। यह ऑपरेशन बिहार के मुजफ्फर जिले के 17 न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या से संबंधित था। दरअसल भंग भंग के वक्त किंग्सफोर्ड कलकत्ता में मजिस्ट्रेट था और उसने वहां आंदोलन करते हुए पकड़े हुए क्रांतिकारियों को जानबूझकर एक से बढ़कर एक कुर्तब सजा दी थी, जिससे खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने उसका प्रमोशन मुजफ्फरपुर के 17 न्यायाधीश में कर दिया था। खुदीराम बोस ने अपने साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान बनाया और उसे मारने के लिए उनकी गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन जिस गाड़ी पर उन्होंने बम फेंका था उसमें बैरिस्टर प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी थी। दरअसल किसी काम से किंग्सफोर्ड रुक गए थे और गाड़ी में नहीं बैठे थे, कार में मौजूद लोग मारे गए। खुदीराम और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी इस घटना के बाद वहां से भागे और सीधे 25 मील दूर वेनी स्टेशन पर जाकर रुके, लेकिन तब तक वहां पुलिस को खबर हो गई थी और उन्हें 2 अफसरों ने गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। प्रफुल्ल चाकी भी एक मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे।